पहली बार पाकिस्तान ने भारत की जीत के लिए दुआ मांगी जा रही है, क्योंकि भारत के भरोसे ही अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बैठा हुआ है। दो मैच हारने के बाद भी उसके सेमीफाइनल का रास्ता कैसे तैयार हो सकता है वो हम आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले सूर्य कुमार यादव के नंबर वन बनने की दिल खुश कर देने वाली खबर सुनिए। ये तस्वीर नीदरलैंड पर भारत की जीत के बाद की है, जिसमें सूर्य कुमार यादव को 25 गेंदों में नाबाद 51 रन की पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसका जैसे ही ऐलान हुआ सूर्य कुमार यादव ने कहा, इसी के साथ सूर्या इस साल T20 में सबसे तेज गति से रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 2022 के टॉप 3 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, मैच 25 रन 867, मोहम्मद रिजवान मैच 20 रन 839, सिकंदर राजा मैच 21 रन 661। मजेदार बात यह है कि 36 साल के सिकंदर राजा पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले हैं, लेकिन साल 2002 से अपने माता पिता के साथ वे जिम्बाब्वे में रह रहे हैं और वहीं के लिए मैच खेलते हैं। मतलब एक पाकिस्तानी ने ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। हालांकि अभी ये सपना खत्म नहीं हुआ है। बाबर आजम की टीम चाहती है कि टीम इंडिया 30 अक्टूबर को अफ्रीका से होने वाला मुकाबला जीते और उसके बाद के मुकाबले में जिम्बाब्वे की भी हार हो, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लगातार दो मैच हारकर बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। अगर वो नीदरलैंड, अफ्रीका और बांग्लादेश से होने वाला मुकाबला जीत लेती है, जो कि आसान नहीं लगता, तो फिर सेमीफाइनल में उसकी राह आसान हो सकती है। फिर भी शर्त ये होगी कि जिम्बाब्वे, जिसने उसे एक रन से हराकर बहुत बड़ा दर्द दिया है, वो भारत के अलावा बांग्लादेश या नीदरलैंड किसी और से भी हारे। मतलब भारत और बांग्लादेश से पाकिस्तान के रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन वर्ल्ड कप में दोनों देशों की जीत के लिए बाबर की टीम दुआ मांग रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बैक टू लाहौर का टिकट उन्हें जल्द ही कटवाना पड़ सकता है। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं, जिसमें टॉप पर भारत है, तो वहीं अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीम 3-3 अंक के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल बांग्लादेश से भी कमजोर है। ताजा समीकरण ये कहते हैं कि नीदरलैंड और बांग्लादेश अंतिम चार की रेस से बाहर हो सकते हैं। उसके बाद चार टीमें बचेंगी, जिनमें से दो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। क्रिकेट के जानकार कहते हैं कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को आसानी से इसलिए भी जीत सकती है क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी फॉर्म में हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्या के अलावा तीन और खिलाड़ियों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भुवनेश्वर कुमार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने बुमराह के 9 मेडन ओवर की बराबरी की है। सूर्य कुमार यादव का सिर्फ स्ट्राइक रेट ही ज्यादा नहीं है, बल्कि सूर्या T20 में सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने 34 छक्के लगाकर युवराज को पीछे छोड़ दिया। अगर रोहित को नंबर वन बनना है तो क्रिस गेल के 63 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। विराट कोहली T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। कोहली ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा, अब जयवर्धने को छोड़ेंगे। अगर ऐसे ही कोहली और सूर्या फॉर्म में रहे और गेंदबाज कोई गलती ना करे तो टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप आसानी से जीत सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर उसने सेमीफाइनल की टिकट लगभग पक्की कर ली है। अब बस उसे दो और मैच जीतने होंगे, लेकिन कभी भी अति उत्साह भारी भी पड़ जाता है, इसलिए खिलाड़ियों को संभल कर खेलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।